हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल कुमार विलर अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो आज जो है हमने आपसे पूछा था कि कौन से जो बिजनेस है उसको कम पूंजी में स्टार्ट किया जाए। तो गाइज, इसी के बारे में हम आप लोग से बात करेंगे कि कौन सा जो है बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। तो गाइस, जैसे कि बता दें कि कुछ बिजनेस जो है मतलब कि स्टार्ट करना तो जिसकी लागत बहुत कम हो, तो गाइस तो कौन से जो बिजनेस है वो सबसे अच्छे रहेंगे? तो जो है कि इसी के बारे में जो है आज आप लोग से बात करेंगे। क्या कि जो है बात कर ले कि जो यूट्यूब जो है इसके अलावा कुछ बिजनेस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये जो यूट्यूब है समझ ही सकते हैं, जो व्यू देख ही रहे हैं कि व्यू कितनी जा रहा है, और अभी जो इनकम कुछ है जो हुआ है नहीं, अभी यूट्यूब से कुछ इनकम नहीं है। सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा बिजनेस है जो कि हम आपको उस पर भी कुछ आप लोग से हमने पूछा था कि क्या मैं डेली बाय डेली जो है कुछ जो है ब्लॉग बनाऊँ, आपने बोला था कि हाँ बनाइए। तो गाइस, हमने सोच रहा है कि कैसा जो बिजनेस स्टार्ट करें जिसकी डेली बाय डेली वीडियो जो है हम आप लोग के पास दे। तो हमने आपसे भी पूछा था कि गाइज जो है कि सब कौन सी जो बिजनेस स्टार्ट किया जाए, कोई दुकान ओपन किया जाए या जो पोल्ट्री फार्म है या कुछ, आप कमेंट करके बता। तो गाइज, आपने सबसे ज़्यादा जो है आपने मतलब कि बताया था कि पोल्ट्री फार्म जो है वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उससे जो पोल्ट्री फार्म में है कि उसमें आप कम पूंजी में बहुत ज़्यादा जो है मुनाफे उसमें हो सकते हैं। बाकी बिजनेस है तो गाइज, बिजनेस के तौर पे तो बात किया जाए कि घाटा या नफा तो होते ही रहता है, और मुनाफा और घाटे की बात कर ले तो बिजनेस के लास्ट में ही पता चलता कि आपके मुनाफे कितने हुए, घाटे कितने हुए। तो गाइज, अगर हम अभी सोच ले कि मुनाफे या घाटे के तौर पे, तो कोई आदमी अगर सोच ले कि बिजनेस करना है और घाटे मुनाफे की अभी ही सोच ले रहा है, तो गाइज जो कभी सक्सेस होता नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, पहले एक राउंड दो राउंड करके देखते हैं क्या होता है। तो वही सोच रहे हैं कि कुछ जो है पोल्ट्री फार्म वही खोला जाए। तो गाइज, अभी पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए लमसम 150-200 जो चिक्स बर्ड्स होते हैं यानी कि मुर्गा, तो डालने के लिए हम सोच रहे हैं। तो देखिए अब आगे क्या विचार होता है। तो जैसे कि हमने आप लोग से पूछा कि कौन से जो है बिजनेस चला जाए, तो आप लोगों ने बहुत भाई ने हमको यही सलाह दिया कि आप घर पे रह कर के ये बिजनेस जो है बहुत आसान से कर सकते हैं। इससे आपको ये मुनाफे होंगे कि अगर आप जो है मतलब कि बर्ड्स हो रहे हैं तो उसमें आप उसकी जो वीडियो जो है मतलब कि अपने सब्सक्राइबर्स लोग को बता भी सकते हैं, और साथ में जो अल्टो की है वो तो चलती ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें दोनों चलेगा, बिजनेस भी यूट्यूब भी, और आप लोग को वीडियो जो है मिलता रहेगा, क्या घाटा क्या मुनाफा ये सब डेली बाय डेली जो इसकी वीडियो है हम आपको ज़रूर देंगे। ये हम बोल रहे हैं कि जो डेली बाय डेली की वीडियो है वो हम आपको ज़रूर देंगे, और बताएंगे भी कि कितने जो है खर्च हुए नहीं हुए, कितने मुनाफे हुए नहीं हुए, ये सब हम बताएंगे आप लोग को। तो इसी कारण जो है हमने आपसे पूछा कि कुछ बिजनेस स्टार्ट, क्योंकि जो है घर पर रहने के बाद कुछ तो कैसा चाहिए कि पैसा आ सके, क्योंकि आज के जो जैसे कि ज़माने में पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, सबसे पहले पैसा ही चाहिए। तो इसी कारण जो है बिजनेस पर्पज़ जो है हमने सोचा कि एक बिजनेस ज़रूरी है, तो इसी कारण जो है हमने बिजनेस को ओपन करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं, जैसे कि आप लोग ने सलाह दिए हैं। तो चलिए गाइज, अगर आप लोग को भी और भी कोई सलाह हो गया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो चलते चलते हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर जरूर कर